बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें हमने उसका जो मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड, उसकी स्ट्रक्चर को बनाना सीखा था। और जो भी बच्चा इस वीडियो को देखने से पहले आप वो लाजमी देखें, तब आपको इस डीएनए की जो है स्ट्रक्चर है वो आसानी से आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ओके, अब न्यूक्लियोटाइड तो हमारे पास आ गया, ठीक है। हमें पता है डीएनए एक पॉलीमर स्ट्रक्चर है, जिसका मतलब है कि वो एक चेन स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बहुत से मोनोमर्स मौजूद होते हैं। मोनोमर उसका न्यूक्लियोटाइड है। लेट्स से हमने एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ओके। अब इन न्यूक्लियोटाइड्स को हमने आपस में क्या करना है, जॉइन अप करना है, एक चेन बनानी है, इनको आपस में इनकी बॉन्डिंग करवानी है। ये बिल्कुल ऐसी है कि आपके घर में कोई भी मोती पड़े हुए हों, ठीक है, और आप चाह रहे हों कि आप एक तस्वीर बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उन मोतियों में आप धागा डालेंगे ताकि वो एक, आप कह सकते हो, पूरी एक तस्वीर या एक चेन की फॉर्म में आ सकें। तो बिल्कुल इसी तरीके से डीएनए के जो दाने होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब इन न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में हम बॉन्डिंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट। लेट्स से ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, जिसके मैं स्ट्रक्चर दोबारा यहाँ ड्रा कर देती हूँ। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसके साथ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5 अटैच होते हैं। और ये एक रिंग स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होती है, पेंटोज शुगर, ठीक है। अब इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ कोई भी नाइट्रोजिनस बेस जो होती है वो अटैच होती है, ठीक है, जिसमें ग्वानिन, एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन कुछ भी आ सकता है। और जबकि कार्बन नंबर 5 के साथ, ठीक है, क्या अटैच होता है, फास्फोरिक एसिड अटैच होता है। फास्फोरिक एसिड हमारे पास इसका फार्मूला है H3PO4, ठीक है, हमारे पास OH एंड OH। अब इसी तरीके का अगर एक और न्यूक्लियोटाइड में यहाँ नीचे ड्रा करूँ, ठीक है, हमारे पास ये पहला न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। हमें पता है न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर में एक पेंटोज शुगर होता है, 5 कार्बन शुगर, ठीक है, उसके कार्बन नंबर 1 के साथ कोई भी नाइट्रोजिनस बेस अटैच होती है, जिसमें हमारे पास एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन कोई भी बेस अटैच हो सकती है। और कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फोरिक एसिड अटैच होता है, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या है, H3PO4। इसी तरीके से मैंने न्यूक्लियोटाइड ये दूसरा बनाया है और फिर तीसरा बनाया। अब ये आपस में अटैच कैसे होते हैं, होता क्या है कि कार्बन नंबर 5 के साथ जो फास्फोरिक एसिड अटैच होता है, इसका OH ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास जो इससे ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है, उसके कार्बन नंबर 3 के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH लगा हुआ होता है, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। अब ये जो OH हमारे पास न्यूक्लियोटाइड, इसको मैं नंबर दे देती हूँ, न्यूक्लियोटाइड 1 है, ये न्यूक्लियोटाइड 2 है और ये न्यूक्लियोटाइड 3 है। जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड 1 का जो कार्बन नंबर 3 के साथ OH अटैच्ड है, ये असल में क्या है, दैट इज़ अल्कोहल, ठीक है। और जबकि जो फास्फोरिक एसिड के साथ जो OH अटैच है, ये हमारे पास क्या है, एसिड। तो जब भी अल्कोहल और एसिड आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो वो हमारे पास ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं। कैसा बॉन्ड बनाते हैं, ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं। और इस बॉन्ड को मैं बोलूँगी फास्फो ईस्टर बॉन्ड। फास्फो क्यों बोला, क्योंकि इसमें फास्फोरिक एसिड वगैरह भी इन्वॉल्व हैं, तो फास्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब इस बॉन्डिंग के रिजल्ट में ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास जो वाटर है उसका लॉस होता है। कैसे, कि इस कार्बन नंबर 3 के साथ जो OH ग्रुप मौजूद है, इसका जो H होता है ये रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। और जबकि फास्फोरिक एसिड अपने पूरे OH जो ग्रुप उसके साथ अटैच है उसको रिलीज़ कर देगा, तो H और OH जब मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट वाटर रिलीज़ हो जाता है और आपस में कार्बन नंबर 3 और फास्फोरिक एसिड की आपस में बॉन्डिंग हो जाती है। कैसे, कि H तो रिलीज़ हो गया, यहाँ से OH चला गया, तो रिमेनिंग क्या है, O ग्रुप, विच इज़ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रह जाता है। अब ऑक्सीजन जो है, एक उसने बॉन्ड बनाया होता है फास्फोरिक एसिड के साथ और दूसरा उसने न्यूक्लियोटाइड 1 के कार्बन नंबर 3 के साथ। तो अगर आप देखो तो एक जो नंबर 1 न्यूक्लियोटाइड है वो नंबर 2 न्यूक्लियोटाइड्स के साथ अब क्या हो गया है, जॉइन अप हो गया है थ्रू दिस बॉन्डिंग, ठीक है। अगर ये कार्बन नंबर 5, ओके, अच्छा। अब
देखें ये क्या है, इट इज़ अ फास्फो ईस्टर बॉन्ड। हमारे पास फास्फोरिक एसिड ने, न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 के फास्फोरिक एसिड ने न्यूक्लियोटाइड 1 के कार्बन नंबर 3 के साथ क्या बनाया, फास्फो ईस्टर बॉन्ड। और अगर न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर हम देखें तो उसमें जो फास्फोरिक एसिड होता है वो कार्बन नंबर 5 के साथ किस बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है, फास्फो ईस्टर बॉन्ड। यहाँ भी ये क्या बनाता है, फास्फो ईस्टर बॉन्ड। तो अब हमारे पास दो मौजूद है ना, दो ईस्टर बॉन्ड बन गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो जो डीएनए की जो चेन है जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच है, ये किसके थ्रू अटैच है, फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू, फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। डाई क्यों कह रही हूँ, दो ईस्टर बॉन्ड है, क्लियर, फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक एमसीक्यू आ जाता है कि डीएनए का जो बैकबोन है वो किससे मिलके बनी है। अगर आप देखें तो डीएनए की बैकबोन किससे मिलके बनी है, फास्फोरिक एसिड से, ठीक है, फास्फोरिक एसिड एंड दी पेंटोज शुगर। असल में ये ही आपस में क्या कर रही हैं, बॉन्डिंग कर रही हैं, जिसकी वजह से डीएनए की एक बैकबोन बन जाती है। और अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास विच इज़ द करैक्टरिस्टिक बॉन्ड ऑफ डीएनए, करैक्टरिस्टिक बॉन्ड ऑफ डीएनए, तो दैट वुड बी फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। इसी तरीके से अब आपके लिए आसानी हो जाएगी इस बॉन्ड इन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में अटैच करने की, कि कार्बन नंबर 3 के साथ जो OH ग्रुप है उसकी फास्फोरिक एसिड के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी, एज अ रिजल्ट वाटर लॉस होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन रह जाएगा, जिससे कार्बन नंबर 3 ऑक्सीजन के साथ और फास्फोरिक एसिड इस ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्डिंग करता है थ्रू द फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने लगी हूँ, विच इज़ 5' एंड 3'। ये आप डीएनए की स्ट्रक्चर जब भी आएगी तो ये दो नाम आप ज़रूर सुनेंगे। अब ये इससे क्या मुराद होती है, अगर आप देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड की चेन है, समझो ये एक डीएनए, मैंने छोटा सा डीएनए है जिसके अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड मौजूद हैं। ऐसे होता नहीं है, हम सिर्फ समझने के लिए देख रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, 1, ये न्यूक्लियोटाइड 2, 3 और 4। इसको इस तरह समझ लो कि इस न्यूक्लियोटाइड, ये सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड है, इससे ऊपर कोई न्यूक्लियोटाइड मौजूद नहीं है, और ये सबसे आखिरी न्यूक्लियोटाइड है, इससे नीचे कोई भी न्यूक्लियोटाइड मौजूद नहीं है। तो अगर आप देखो इस चेन का जो कार्बन नंबर 5 है, ठीक है, जिसके साथ क्या अटैच होता है, फास्फोरिक एसिड, वो फ्री मौजूद है, उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं है, यही ऐसा ही है ना। इसी तरीके से अगर आप सबसे लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड पे आओ तो इसका जो कार्बन नंबर 3 है वो बिल्कुल फ्री मौजूद है, यहाँ पे उसके साथ कोई भी फास्फोरिक एसिड या दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फोरिक एसिड अटैच नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो कार्बन नंबर 5 है उसके साथ जो रिएक्टिव ग्रुप है फास्फोरिक एसिड वो फ्री है, और जो न्यूक्लियोटाइड 4 है इसका जो कार्बन नंबर 3 है इसके साथ जो OH है रिएक्टिव ग्रुप वो भी फ्री पड़ा हुआ है। तो दैट्स मीन कि ये इसका स्टार्टिंग है और जो लास्ट वन क्या है, ये इसकी एंडिंग है। तो ये कोई ऐसी चेन नहीं है जो बिना सर के या बिना पाँव के होती है, इसके भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होती है। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम 5' कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नंबर 5 का जो रिएक्टिव ग्रुप है वो फ्री मौजूद है, और इसको हम लोग 3' का नाम दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बन नंबर 3 का जो रिएक्टिव ग्रुप OH है वो फ्री मौजूद है। तो दिस इज़ 5' टू 3'। तो ये कैसी चेन है, 5' टू 3', क्लियर। अच्छा, अब आपने हमेशा सुना होगा और आपने हमेशा पढ़ा है कि डीएनए हमारे पास क्या है, डबल चेन स्ट्रक्चर है, जिसका मतलब यह है कि इसके अंदर दो चेन्स मौजूद होती हैं और वो चेन्स आपस में जॉइंड अप हुई हुई होती हैं। बिल्कुल एक, देखें हमने लेट्स से अभी तक एक चेन को स्टडी किया है, ये एक चेन आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि एक और चेन भी मौजूद होती है जो बिल्कुल उसके अंदर भी इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अरेंज हुए हुए होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह होता है, ठीक है, इस तरह लेडर लाइक, ओके। तो अभी तक हमने कितना डिस्कस किया है, दिस पार्ट, ओनली हाफ पार्ट ऑफ लेडर। अगर हम दूसरी चेन को देखें, ठीक है, तो दूसरी चेन में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो
इस डायरेक्शन में मौजूद होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स ने आपस में क्या किया हुआ होता है, बॉन्डिंग की हुई होती है, कहीं पे डबल बॉन्ड होता है, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, और वो क्यों होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं डबल चेन स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो वो कैसे बनाऊँगी। लेट्स से ये न्यूक्लियोटाइड की एक चेन मैंने यहाँ पे बना ली है, ये 5' है और ये 3'। ये तो आपको मैंने पीछे बता दिया कि कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैंने दूसरी चेन बनानी है और इसके आपस में बॉन्डिंग करवानी है। तो दूसरी चेन में लेट्स से मैं इस सेम इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट करती हूँ। ठीक है, ये भी 5' to 3' मैंने चेन बना ली है। अब अगर आप गौर से देखो तो यहाँ तो एक प्रॉब्लम आ रहा है कि नाइट्रोजनस बेस के सामने तो फास्फोरिक एसिड आ रहा है, ठीक है, और ये तो आपस में बॉन्डिंग कर नहीं सकते। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस के साथ हमेशा नाइट्रोजन बेस की बॉन्डिंग होती है, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई भाई। ठीक है, ये तो मतलब है कि यहाँ पे अब कोई हमें सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक चेन हमारे पास 5' to 3' होती है, जबकि जो दूसरी चेन होती है वो 3' to 5' होती है। अब वो कैसे होती है, ठीक है, मैंने क्या करना है, इस नाइट्रोजनस बेस को इस तरफ लाना है ताकि इनकी आपस में क्या हो सके, बॉन्डिंग हो सके। तो वो कैसे मुमकिन है, अच्छा इसको हम इस तरह समझते हैं। समझो, ये हमारे पास पेंटोज शुगर है, कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस, कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फोरिक एसिड। नाइट्रोजनस बेस को हमने उठा के अब इस तरफ लाना है, तो समझो ये भी हमारे पास एक क्या है, पेंटोज शुगर है। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कार्बन साथ एक तरफ क्या है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, ये इस पेंटोज शुगर का ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फोरिक एसिड है और कार्बन नंबर 1 के साथ यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजनस बेस। ओके, समझने की कोशिश करनी है। तो अब मैंने नाइट्रोजनस बेस यहाँ से यहाँ लानी है, तो क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल उल्टी हो जाती है। अगर देखो, अब अगर इसको मैं उल्टा कर दूँ, पेंटोज शुगर को उल्टा कर दूँ, तो देखें नाइट्रोजनस बेस हमारे पास इस तरफ आ गई और फास्फोरिक एसिड इस तरफ आ गया और ऑक्सीजन ये है। क्लियर, तो इस तरीके से हमारे पास ये चेन फॉर्मेशन होती है। लेट्स से इसको मैं यहाँ पे ड्रा करती हूँ, तो अब देखो मैंने इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो नीचे आ गया है, ठीक है, और जो फास्फोरिक एसिड का ग्रुप है इस तरफ आ गया है, जबकि नाइट्रोजन का ग्रुप इस तरफ आ गया है। ठीक है, ग्रुप सॉरी कह रही हूँ, नाइट्रोजनस बेस इस तरफ आ गई है। तो अब आप देखो इस चेन में ये जो न्यूक्लियोटाइड है, अब ये बिल्कुल वैसे ही जॉइन अप हुए होंगे जो इसका फास्फोरिक एसिड कार्बन नंबर 5 के साथ मौजूद है, सिर्फ चेन उल्टी हो गई है। ठीक है, फास्फोरिक एसिड का जो कार्बन मौजूद है, सॉरी कार्बन नंबर 5 के साथ जो फास्फोरिक एसिड मौजूद है वो नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्ड वैसे ही बनाया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से इस फास्फोरिक एसिड का कार्बन नंबर 3 के साथ वैसे ही बॉन्डिंग है, जो कि फास्फोडाईस्टर बॉन्ड है, एक ये ईस्टर बॉन्ड और एक ये, तो फास्फोडाईस्टर बॉन्ड। इससे सिमिलरली यहाँ पे अब अगर आप देखें, ठीक है, इस चेन में क्या हो रहा था कि जो नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड था वो ऊपर वाले के साथ रिएक्ट कर रहा था, नीचे वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला ऊपर वाले के साथ, और सबसे ऊपर वाला जो था वो उसका हमारे पास 5 जो रिएक्टिव ग्रुप है वो फ्री था। लेकिन इस चेन में अगर आप आओ तो हमारे पास ऊपर वाला जो है असल में वो नीचे वाले के साथ बॉन्डिंग कर रहा है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और इसका जो रिएक्टिव ग्रुप अब कौन सा फ्री हो गया, कार्बन नंबर 3 का OH फ्री है। ठीक है, और यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया फिर, 3' जबकि अगर आप देखो इसके लास्ट लेट से ये इसका लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, नीचे और कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 5 के साथ जो फास्फोरिक एसिड है, ठीक है, वो इसका रिएक्टिव ग्रुप क्या है, फ्री हो गया है। तो अब यहाँ पे इसकी एंडिंग क्या है, 5'। तो ये चेन किस तरह होती है, 3' to 5'। अब अगर आप सब बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो गौर से देखें, तो जो हमारे पास एक चेन होगी 5' to 3', तो उसके सामने वाली चेन होगी 3' to 5'। तो दैट्स मीन कि जो लैडर के अंदर जो दो चेन्स होती हैं ये असल में एंटी पैरेलल होती हैं। चेन स्ट्रक्चर के हमारे पास किस तरह की है, एंटी पैरेलल। पैरेलल तो हैं, एक दूसरे के सामने तो हैं, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। इसकी 5' to 3' है और इसकी 3' to 5'। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस होती है जो इस तरफ अब हम ले आए हैं और ये दरमियान में हटा देती हूँ, तो इनकी आपस में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, कहीं पर डबल बॉन्ड और कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड, और वो क्यों होते हैं ये भी मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है,
तो यहाँ देखें तो हम डीएनए की जो एंटी पैरेलल डबल चेन स्ट्रक्चर है उसको बनाने में कामयाब हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एक नाइट्रोजनस बेस, एक चेन की नाइट्रोजनस बेस और दूसरे चेन की नाइट्रोजनस बेस के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है ये वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। ये कैसा बॉन्ड होता है? वीक बॉन्ड होता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। हमारे पास जो कुछ नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान मैंने डबल रखा है और कुछ के दरमियान ट्रिपल रखा है, क्यों? चार तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर एडिनिन होता है, कुछ के साथ साइटोसिन लगा हुआ होता है, और कुछ के साथ गुआनिन, एंड सम हैव थायमीन, ठीक है। तो चार तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जब एडेनिन, और हमेशा याद रखना है जो एडेनिन हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, इट विल ऑलवेज बॉन्ड विथ थायामीन। इसके सामने जो चेन होगी ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर एडेनिन आ जाता है, सॉरी इधर एडेनिन आ जाता है, तो एडेनिन के सामने हमेशा वो वाला न्यूक्लियोटाइड होगा जिसके पास क्या होगा? थायामीन। रिमेंबर दैट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ बॉन्डिंग करेगा, क्लियर। और अगर हमारे पास साइटोसिन आ जाता है किसी भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है? साइटोसिन। तो उसके सामने बिल्कुल हमेशा जो चेन का न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस होगी वो गुआनिन होगी, क्लियर। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एडेनिन और थायमिन के दरमियान असल में डबल बॉन्डिंग होती है, ठीक है, और साइटोसिन एंड गुआनिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्डिंग। इसी तरीके से यहाँ पे एडेनिन एंड थायमिन डबल बॉन्ड, और साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, क्लियर। अब यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत और चीज़ें समझने की हैं। आपको यहाँ पर देख के लग रहा होगा कि हमारे पास जो डीएनए है वो एक स्ट्रेट लेडर की तरह है, इस तरह, ठीक है। ये उसकी आप कह सकते हो स्टेप्स हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। डीएनए असल में एक, आप समझो जिस तरह अक्सर हॉरर मूवीज़ होती हैं उसमें जो भूत बंगले होते हैं या कुछ भी इस तरह की मूवी अपने जहन में सोचो, उसके अंदर अक्सर इस तरह ना कर्व्ड हुई हुई लेडर्स मौजूद होती हैं, कभी देखा है? तो हमारे पास जो डीएनए है उसकी लेडर जो है वो सीधी नहीं है, ठीक है। ये लेडर हमारे पास कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं इसके अंदर। अब ये जो स्ट्रक्चर थी ना, कि हेलिकल स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हेलिकल स्ट्रक्चर। तो डीएनए हमारे पास क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये जो इसका मॉडल प्रपोज किया था किसने? वाटसन एंड क्रिक, जिसकी वजह से इन दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक ने हमारे पास जो डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, इसको हमारे पास एक्सप्लेन किया था। अब वो कैसे होती है? अच्छा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखने में कुछ इस तरह की होती है, क्लियर। अब हमारे पास डीएनए के जो ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, देखें ये ट्विस्ट हुई हुई है और कुछ टर्न्स ले रही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से और यहाँ तक, जिसमें एक कंप्लीट इस तरह का ये टर्न आएगा, इसको कहा जाता है वन टर्न, ठीक है। दिस इज वन टर्न ऑफ डीएनए। अगर हम सिर्फ इसको स्टडी करें कि एक वन टर्न ऑफ डीएनए के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वन टर्न के अंदर जो बेस पेयर मौजूद होते हैं, बेस पेयर का क्या मतलब है? ये दरमियान में आपको याद है ना कि ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ होता है बेस पेयर्स में, तो यहाँ कितने बेस पेयर्स हैं? पेयर की फॉर्म में एडिनिन के सामने क्या आता है? थायमिन। साइटोसिन के सामने क्या आता है? गुआनिन। तो ये क्या बन गया? पेयर। ये एक पेयर हो गया और ये दूसरा पेयर हो गया। तो इस हमारे पास वन टर्न ऑफ डीएनए के अंदर कितने पेयर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेस पेयर कितने हो गए? 10। अगर हम देखें कि नाइट्रोजनस बेसिस वैसे कितनी होती हैं, अगर पेयर की फॉर्म में ना देखो 1, 2, 3, 4, मतलब इनको अकेला अकेला देखें, तो आप खुद देख लो अगर पेयर 10 है तो नाइट्रोजनस बेसिस कितनी होंगी? 20। ओके,
इस एक टन ऑफ डीएनए के अंदर डीएनए की लेंथ कितनी आती है? इस लेंथ ऑफ डीएनए के लिए खास वर्ड यूज़ होता है विच इज़ अ पिच ऑफ डीएनए, ठीक है, हमेशा याद रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पिच ऑफ डीएनए के नाम से एमसीक्यू आ जाता है, तो पिच ऑफ डीएनए हमारे पास होता है 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, या इसको अगर आर्मस्ट्रांग में हमारे पास ये वैल्यू आएगी, आर्मस्ट्रांग भी हमारे पास एक मेजरमेंट है, तो उसमें वैल्यू आएगी तो वो हो जाएगा 34 आर्मस्ट्रांग, ठीक है। आर्मस्ट्रांग कितना है 34 और नैनोमीटर में कितनी है 3.4, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आर्मस्ट्रांग में पूछ लेते हैं और कभी कभार नैनोमीटर में, तो दोनों में आपको पता होनी चाहिए। बेस पेयर डिफरेंस, ठीक है, बेस पेयर डिफरेंस का क्या मतलब है कि एक बेस पेयर ये है, ये दूसरी बेस पेयर है, ये तीसरी बेस पेयर है, अब इनके आपस में जो फासला होगा ये दिस बेस पेयर डिफरेंस, ये हमारे पास कितना होता है, दैट इज़ ये हम निकालना बहुत आसान है, एक टन में कितने हैं टोटल 10 है और टोटल लेंथ कितनी है 34 आर्मस्ट्रांग या 3.4, तो हम क्या कर सकते हैं 34 को डिवाइड कर दें अगर हम 10 पे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3.4 आर्मस्ट्रांग, आर्मस्ट्रांग की बात कर रही हूँ मैं, नैनोमीटर की बात नहीं करी, ठीक है। तो हमारे पास बेस पेयर डिफरेंस क्या है 3.4 आर्मस्ट्रांग और लेंथ कितनी है 34, क्लियर। अच्छा, एंगल, अब अगर आप देखो, अब एक चीज़ ट्विस्ट एंड टर्न्स ले रही है, ठीक है, एक आप कह सकते हो इस तरीके से ऐसे, तो उसके बेस पेयर्स के दरमियान या उसकी जो भी बेस मौजूद हैं उनके दरमियान कोई ना कोई एंगल तो बन रहा होगा, देखो ये ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास ये कम्प्लीटली एंगल किसकी ट्विस्ट हो जाता है, देखो ये पहले इस तरह और फिर ये कम्प्लीटली ट्विस्ट होके ऐसे मौजूद है, तो इसके दरमियान कोई ना कोई तो एंगल आता होगा, तो हम क्या करेंगे, एंगल कैसे मालूम करेंगे कि एक लेंथ में, सॉरी वन टन ऑफ डीएनए के अंदर कितना एंगल है, तो दैट इज़ 360 डिग्री, उसको 10 पे डिवाइड कर दो, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 36 डिग्री, तो एंगल कितना है 36 डिग्री। सो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाती है आपके पास डीएनए की स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो डीएनए है, अब डीएनए तो आप बनाना बहुत आसान हो गया होगा आई होप, तो ये जो डीएनए की स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्रोमोसोम की फॉर्म में, जब ये क्रोमोसोम बनता है तो उसमें किस तरीके से मौजूद होता है, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और सो प्लीज़ शो सम सपोर्ट एंड लव एंड आल्सो डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक एंड शेयर इट टू। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।